हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जो बात किया था मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने का फ्रॉम इम्प्योरिटीज क्या क्या मेथड्स, उसको मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। तो आज का लेक्चर नंबर 2 होगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों ने प्यूरिफाई किया है इसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है पहला कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हो सकता है नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर, और फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्स। एक्स क्या है? हेलोजन। और हेलोजन के अंदर क्या क्या आएगा? हेलोजन के अंदर आएगा क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये तीनों का डिटेक्शन हम करके खत्म करेंगे आज का सेशन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो लेक्चर नंबर 2 का कार्बन डिटेक्शन। तो कार्बन डिटेक्शन में हम लोग कैसे कार्बन डिटेक्शन करते हैं ये देखते हैं। कार्बन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड में हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन रिलीज होगा और ये ओ कार्बन के साथ कंबाइन करके CO2 फॉर्म करेगा। और ये CO2 को जब CaO से पास कराएंगे लाइम से, तो ये क्या फॉर्म करेगा? CO3, जो कि वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा। तो अगर वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहा आफ्टर पासिंग CaO, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ है, और कार्बन डाइऑक्साइड तभी होगा जब ये कार्बन प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। ये पहला तरीका है, पहला कार्बन डिटेक्शन का। दूसरा जो है डिटेक्शन का वो मेथड, अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन को डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो आप हाइड्रोजन डिटेक्शन समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बस इतना ही जानना है आपको। तो हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगेन इसके साथ में हीट करेंगे, तो ऑक्सीजन जो यहाँ रिलीज होगा वो H के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा? H2O, विच इज़ वाटर। अब ये वाटर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? CuSO4, कॉपर सल्फेट जो ड्राई है, जो कलरलेस है, वो जब H2O के साथ में कंबाइन करता है तो CuSO4 5H2O फॉर्म करता है। ये जो 5H2O है वो ब्लू कलर देता है। तो जब कॉपर सल्फेट 5H2O बनता है तो वो ब्लू कलर, तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन ये बताता है कि यहाँ वाटर है, और वाटर है इसका मतलब हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ये सर कैंड हम लोग डिटेक्ट कर लिया, वो होगा कौन सा? नाइट्रोजन डिटेक्शन। नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो कार्बन के साथ में ही रहेगा, एलोन तो नाइट्रोजन रहेगा नहीं, उसके साथ में कार्बन भी रहेंगे। कार्बन के अलावा अनदर क्या है? नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग सोडियम के साथ में हीट करते हैं, NaCl। तो ये क्या है? ये फॉर्म किया क्या? सोडियम साइनाइड। ये फॉर्म किया, ये सोडियम साइनाइड जो फॉर्म किया ये NaCN। अब ये NaCN को हम लोग क्या करेंगे कि या तो इसको हम लोग FeSO4 से ट्रीट कराते हैं, फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी डाइल्यूट HCl। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Fe3FeCNO3 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? फेरो साइनेट। ये जो कलर है ये कलर हो गया पर्शियन ब्लू कलर। पर्शियन ब्लू कलर अगर फॉर्म कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, इसका मतलब वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। तो ये नाइट्रोजन का डिटेक्शन का मेथड हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्या होगा? नाइट्रोजन के बाद में सल्फर डिटेक्शन।
सल्फर डिटेक्शन का अगर बात करें तो सल्फर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो या तो एलोन रह सकता है, तो इसको भी हम लोग Na के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा N2S, और इस N2 को हम लोग PB लेड के साथ डायरेक्टली अगर रिएक्ट करा दें तो ये बन जाता है PbS+Na2, और ये जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। तो अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहा है लेड के साथ में तो इसका मतलब है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, सल्फर। ये एक तरीका है। समटाइम सल्फर के साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन तो रहेगा ही, कार्बन के साथ या तो नाइट्रोजन हो या तो सल्फर या तो समटाइम दोनों हो। तो इस केस में ये जब सोडियम के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये सब आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करता है सोडियम सल्फोसाइनेट। ये फॉर्म कर रहा है। अब ये सोडियम सल्फोसाइनेट को जब हम लोग आयरन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोपुरोसाइट। ये जो नाइट्रोपुरोसाइट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, इसका कॉम्प्लेक्स का कलर होता है पर्पल। और अगर पर्पल कलर फॉर्म कर गया Fe2+ कॉम्प्लेक्स के साथ में, यानी नाइट्रोपुरोसाइट कॉम्प्लेक्स के साथ में एक कलर फॉर्म कर दिया पर्पल कलर, इसका मतलब यहाँ पर सोडियम के साथ में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का कंबाइंड टेस्ट हम लोग नाइट्रोपुरोसाइट से कर सकते हैं जो पर्पल कलर फॉर्म करेगा। अगर एलोन सल्फर है तो हम लोग डायरेक्टली लेड के साथ में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया फॉस्फोरस डिटेक्शन। तो फॉस्फोरस को डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, फॉस्फोरस अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इसको सबसे पहले Na2O2 से रिएक्ट करेंगे, यानी सोडियम पेरोक्साइड से, और ये इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक, यानी Na2HBO4। उसके अलावा यहाँ पर NaOH भी फॉर्म करेगा, तो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे मतलब है ये जो Na2HBO4 फॉर्म किया यानी सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक, अब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे एमोनियम मॉलिब्डेनम से, मॉलिब्डेट O4 से। ठीक है, ये एमोनियम मॉलिब्डेट। तो ये रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और उसमें क्या आ जाएगा NH4O2, उसके बाद में फॉस्फोरस अलोंग विथ MOO4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एक कलर फॉर्म करता है जो कलर होगा येलो कलर का। अगर येलो कलर फॉर्म कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को दो स्टेप रिएक्शन करना होगा, पहले में सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्ट कराना होगा और उसके बाद में एमोनियम मॉलिब्डेट से कराना पड़ेगा। होप सो ये भी क्लियर है। लास्ट आ जाते हैं, तो लास्ट डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं एक्स का डिटेक्शन। एक्स क्या है, हेलोजन डिटेक्शन। हेलोजन डिटेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये पहले Na के साथ कंबाइन करा के क्या फॉर्म कर देंगे, Na2X। ठीक है, और ये फिर फर्दर Ag के साथ, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, AgX। सिल्वर हैलाइड। ये क्या है, सिल्वर हैलाइड। अब ये सिल्वर हैलाइड में X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहला हम लोग बात करें कि अगर AgCl है, एक्स के जगह मैंने Cl लगा दिया पहला, तो ये क्या फॉर्म करेगा, वाइट कलर। जब भी ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है, इस रिएक्शन से, तो ये फॉर्म करता वाइट कलर जो कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ में हाईली सॉल्युबल होगा। तो दो तरीका है क्लोरीन को फाइंड आउट करने का, AgCl का कलर क्या होगा, वाइट, और जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बी।
अगर बी में यहाँ पर ए जी सी एल के जगह पर ए जी बी आर फॉर्म करेगा तो इसका कलर होगा पेल येलो और वो एस्पायरिंगली सोलेबल होगा एन एच फोर ओ एच के साथ में, एस्पायरिंगली सोलेबल मतलब बस थोड़ा सा सोलेबल होगा, बहुत ज़्यादा सोलेबल नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड अगर बात करें, थर्ड सी नंबर सी यहाँ लिख रहा हूँ, जब ए जी बी आर के जगह पर में ए जी आई हो जाए तो इसका लाइट येलो कलर और ये इनसॉल्युबल होगा एन एच फोर ओ एच में जब हम लोग डिजॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली इनसॉल्युबल। तो अगर यहाँ से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, वाइट कलर हाईली सॉल्युबल इन एन एच फोर ओ एच, बी आर ब्रोमीन वेरी येलो कलर एस्पायरिंगली सॉल्युबल इन द एन एच फोर ओ एच, और आयोडीन का है तो यहाँ पर लाइट येलो एंड इनसॉल्युबल इन एन एच फोर ओ एच, ठीक है। तो इसी के साथ में मैंने आज का भी सेशन कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस या डिटेक्शन मेथड को समझा, जो कि मोस्ट कॉमन है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर और हेलोजन को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वांटिटेटिव वैल्यू कितना अमाउंट में प्रेजेंट, अभी सिर्फ मैंने बताया कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन अगली क्लास में मैं बताऊँगा लेक्चर नंबर थर्ड में कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।